मेरा नाम जगजीत सिंह आ, मैं ब्रैम्पटन च रहना वा। मैं 2018 मई बैच के आया सीगा हंबर कॉलेज दे विच। उत्थे मैं एक साल का प्रोग्राम लिता सीगा वैल्डिंग टैक्नीक्स का। उस तो बाद मैं वैल्डिंग टैक्नीक्स का प्रोग्राम करन तो बाद मैं जो पास आउट होया तो मैं जॉब मिल गई वैल्डिंग की। सो मैं इस टाइम एज अ वैल्डर काम कर रहा। एक्चुअली मैं उत्थों इंडिया तो ही सोच के आया सीगा, क्योंकि ता ही मैं ये वाला वैल्डिंग का कोर्स लिता सीगा, क्योंकि मैं पता सी मेरे को जो स्किल हैगी है तो मैं ईजीली उत्थे काम कर सकता वा। तो मैं ये भी इतों आइडिया सीगा कि इतने पे रेट जो स्किल ट्रेड के काफ़ी ज़्यादा वा। सो मैं करके अपना सब कुछ सैटिंग करके फिर ही आया इतने। जदों मैं स्टडी करता सीगा उस टाइम मैं एक दो महीने काम किया वा वेयर हाउस दे विच, पैकेजिंग स्टफ लाइक होंदे जिद्दां वो काम किया वा। फिर उस तो बाद मैं नाल नाल अपनी वैल्डिंग जॉब लभनी स्टार्ट कर दी सीगी, ते वो जल्दी ही मैनू वैल्डिंग जॉब मिल गई। उस तो बाद फिर मैं पार्ट टाइम वैल्डिंग जॉब करता रहा। जदों मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई मेरा वर्क परमिट आ गया, फिर मैं उसे कंपनी दे विच ही एज ए वैल्डर फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिता। एक्चुअली मैंने जॉब वो मिली सी इदा ऑनलाइन जिहड़ियां साइट्स होंदियां वा, जिदा इंडीड हो गई जां कजीजी हो गई, उहदे उपर तुसीं अपनी जो प्रोफाइल बनाउंदे जे तुहानूं ऑफरस आउंदियां रहिंदियां वा, जे तुसीं अपना रेज़्यूमे वगैरह अपलोड करदे जे उहदे उपर। ते उहदे थ्रू ही मैनूं कजीजी दे थ्रू मैनूं वो जॉब मिली सी। मैं तो यही सुजैस करूँगा कि जिन्ने भी जने जॉब लभण दी ट्राई करदे आ वो अपनियां प्रोफाइल्स रेज़्यूमे दे नाल ते प्रोफाइल अपनी सारी अपडेट करके अपनियां कजीजी दे उपर जां इंडीड दे उपर अपनी प्रोफाइल्स बनाण अपलोड करन, तां कि उहनां नूं जल्दी जल्दी जॉब मिल सके ते उहनां नूं ईजी हो सके कि जॉब जल्दी जल्दी मिले। जो तुम बिल्कुल ही एज ए बिगिनर स्टार्ट करना वा फिर तुम एक तो पहला कोर्स कर सकते हो। इतने हर एक कोर्स अवेलेबल आ, एक साल का, दो साल या तीन साल का कोर्स अवेलेबल ने। एक तो वे स्किल जी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, तुहाडा एक्सपीरियंस जो थोड़ा वधिया हो जाता वा, तुम मशीन वगैरह नाल चंगी तरह उन्होंने कर सकते जे, कंट्रोल कर सकते जे। तो जे वैसे तो यह वॉलंटरी ट्रेड आ, बट जे तुम लाइसेंस लेंदे जे तो तुहानू वधिया पे रेट मिल सकता वा, तो नाल तुहानू वधिया जगह पर जॉब मिल सकती है। वैसे तो जे ये एक्सपीरियंस के उपर डिपेंड करता वा, बट मिनीम तो मिनीम तुम्हें $18 के हिसाब न पे रेट मिल सकता ये। तो जे तुम वधिया काम करते जे एक्सपीरियंस तुम्हें ज़्यादा वा, बाकी स्किल के उपर डिपेंड है तुम कि टाइप की वैल्डिंग करते जे, तो पे रेट जरा काफ़ी हो सकता वा। मैक्सीम मैं तो जितना देखा वा $60 to $70 पर आर भी लोग लेंगे ने इतने। साड़ी शॉप जी एक्चुअली एक फैब्रिकेशन शॉप आ, असं उत्थे ट्रक ट्रेलर रिपेयर करते हैं, तो होर असी डीजल टैंक रिपेयर करते हैं। जिमें डीजल टैंक खराब हो जाते फिर उन्होंने रिपेयर करना पैंता, डीजल टैंक्स रिपेयर करीदे आ। होर जिन्हें भी फैब्रिकेशन के काम होंगे आ, छोटे तो लैके वे काम सारे असी करते हैं। तो रिपेयर जिदा ट्रेलर एक्सीडेंटल ट्रेलर आते हैं फिर उन्होंने पूरी रिपेयर करनी पैंती है, फिर असं वो काम करते हैं। साढ़े काम तो वैसे तो मोस्टली जो यूज़ होंगे वा वो तो हैगी मिग वैल्डिंग आ, एक टिग वैल्डिंग आ। मिग दे विच भी साढ़े को दो तरह दी वा, एक स्टील दे वाली आ, एक हैगी अलूमीनियम, तो टिग दे विच भी सेम ही आ। मैं शुरू तो ही स्किल ट्रेड दे विच ही हाँ, सो मैं तो यही कह सकदा कि स्किल ट्रेड दे विच जिन्ना भी काम कर सकते जे, जिहड़ा भी काम कर सकते जे, उहदियां इत्थे जॉब ऑपरचुनिटीज बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि इत्थे हर एक चीज़ दे विच जे तुहाडे कोल स्किल हैगी आ तुहाडा पे रेट वधिया हो सकता वा। जिवें तुसीं मकैनिक लाइन दे विच जे उहदे विच तुहाडा पे रेट वधिया वा, तुसीं लाइसेंस मकैनिक बन सकदे जे, जे तुसीं कारपेंटर जे जां प्लंबिंग वगैरह जे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इत्थे हुंदी रहिंदी आ। वैल्डिंग जॉब्स भी इत्थे बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि वैल्डिंग दे इत्थे प्रोजेक्ट्स काफ़ी वड्डे हुंदे आ, सो मकैनिक दे पे रेट भी काफ़ी वधिया हुंदे आ। तुसीं मकैनिक दे नाल नाल तुसीं अपना लाइसेंस की स्टडी कर सकते जे, अपनी प्रैपरेशन दे नाल तुसीं मकैनिक दा लाइसेंस लै सकते जे। जे तुसीं वैल्डिंग दा लाइसेंस लैना वा, वैसे तो वो वॉलंटरी ट्रेड आ, बट तुसीं उहदा भी लाइसेंस लै सकते जे। जे तुसीं लाइसेंस लेंदे जे तां उहदी पे रेट जिहड़ा उह तुहाडा वधिया होर ज़्यादा वधिया हो सकदा वा। तो जे किसी तुम होर स्किल ट्रेड के जाना चाहते जे, जिमें प्लंबिंग हो गई, इलैक्ट्रीशियन हो गया, जां मिल राइट वगैरह के कोर्सिस होंगे, तो वो कोर्स करके अपनी स्टडी के नाल नाल तुम प्रैक्टिस कर सकते जे, नाल तुम अप्रेंटिसशिप एज ए हायर हो सकते जे उत्थे कंपनीज दे विच किसी दे विच। ते उस तो बाद तुसीं लाइसेंस लैन तो बाद तुसीं हर एक जगह पर तुसीं अप्लाई कर सकते जिथे भी तुहाडी जॉब होवे वैलिड होवे, ते उस हिसाब नाल तुहानूं जॉब जल्दी मिल सकती है। एक्चुअली वैल्डिंग जिहड़ा वा साडा फैमिली बिजनेस सीगा, साडी अपनी वर्कशॉप सीगी उत्थे इंडिया दे विच, ते मैं शुरू तो ही उत्थे काम करदा रहा वा। जद तक मैं अपना स्टडी दे नाल नाल भी उत्थे काम कीता वा, नाल मैं उत्थे GPC दे विच अपना कोर्स भी कंप्लीट किया जी अपना 3 साल का। उत्थे भी असीं वैल्डिंग दे विच काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट किए आ, तो ये करके मैनू थोड़ी जी ईजी सीगा इत्थे आके भी जॉब लभनी, क्योंकि मैं उत्थों भी कोर्स भी ता ही मैं चूज़ किया, क्योंकि मैनू लगा सीगा कि मैं जल्दी वो कर सकांगा,
ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੇ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਵਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਂਟੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਓਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਓਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲਡਰ ਹਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ